हे गाइस, स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की सीवी फोटो एडिटिंग, जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस, देख सकते हैं। तो गाइस, ऐसा एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो बने रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए गाइस, क्योंकि इसमें जो भी बताया हम स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ और ये भी बताया हम किस किस ऐप का यूज़ किया हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा चैनल का लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अपने फोटो को लेकर चले जाना है लाइटिंग एप्लीकेशन में। इसमें आने के बाद लाइट पर क्लिक करेंगे, कंट्रास्ट को हल्का सा माइनस रखेंगे गाइस, हाईलाइट को फुल माइनस रखेंगे, शेडोज को बढ़ा लेंगे, वाइट को भी माइनस में रखेंगे, अब ब्लैक को बढ़ा लेंगे गाइस। इतना करने के बाद डन कर देंगे और फिर मिक्स पे जाएंगे, वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ा लेंगे गाइस। इतना करने के बाद मिक्स कर लेंगे यहाँ से, इस कलर को चूज़ करने के बाद सैचुरेशन को जितना रखना है लुमिनस को बढ़ा देना है गाइस, देख सकते हैं। फिर सेटिंग देख लीजिए गाइस, इतना करने के बाद गाइस डन कर देंगे। फिर इस पे जाएंगे, शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, मेकिंग को बढ़ा लेंगे, नोवाइड रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, कॉलर नोवाइड रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, डिटेल को 100 रखेंगे, स्मूथिंग्स को 100 रखेंगे, फिर इसको ऑन कर देंगे गाइस। इतना करने के बाद सिंपली अपने फ़ोटो को लेकर चले जाएंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में, यहाँ से शेयर कर लेंगे। तो गाइस, मैं अपने फ़ोटो को लेकर चला आया हूँ ऑटोडेस्क स्केचबुक में। इसमें आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले ब्रश को चूज़ कर लेंगे, इसकी सेटिंग देख लीजिएगा गाइस आप लोग, मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही रखिएगा। और ये साइज है अपने हिसाब से कर लीजिएगा, छोटा बड़ा। फिर ऐसे ऐसे जूम करके अपने फ़ोटो को सिंपली ऐसे स्मूथ कर देंगे, देख लीजिए काफ़ी अच्छी हो रही है। तो गाइस, ऐसे ही अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देख लीजिए, मैं अपने फेस को स्मूथ कर लिया हूँ। यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर करके फिर से लेकर चले जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो गाइस, मैं अपने फ़ोटो को फिर से लेकर चला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। इसमें आने के बाद इस लाइट पे क्लिक करेंगे, इसकी कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को माइनस रखेंगे, शेडोज को बढ़ा लेंगे, वाइट को भी बढ़ा लेंगे, ब्लैक को माइनस रखेंगे। इतना देख लीजिएगा, सेटिंग देख लीजिएगा गाइस। फिर इतना करने के बाद इस पर जाएंगे, इसकी वाइब्रेंस को इतना बढ़ा लेंगे गाइस। फिर मिक्स पे जाने के बाद ऑरेंज कलर को चूज़ करेंगे, इसकी लुमिनस इतना बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन माइनस रखेंगे इतना गाइस। फिर ग्रीन पे जाएंगे, इसकी सेटिंग को देख लीजिएगा गाइस, कितना रख रहे हैं इतना ही रख लीजिएगा आप लोग भी, इतना रखना है गाइस। फिर येलो पे जाएंगे, इसकी भी ह्यू की इतना माइनस रखना है, सैचुरेशन इतना रखना है गाइस। फिर यहाँ से डन कर देंगे। फिर इस पर जाएंगे गाइस, क्लियरिटी को बढ़ा लेंगे, इसको भी बिगनेट को भी इतना रखेंगे गाइस। फिर यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, मेकिंग को बढ़ा लेंगे, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा लेंगे, डिटेल को बढ़ा लेंगे, स्मूथिंग्स को बढ़ा लेंगे। फिर इतना करने के बाद गाइस, अपने फ़ोटो को टूल बीज एप्लीकेशन में लेकर चले जाएंगे हेयर एडिटिंग के लिए।
मैं अपने फ़ोटो को लेकर चलाया हूँ टूर एप्लीकेशन में। इसमें आने वट पे क्लिक करेंगे, इस पर फिर सॉफ्ट पे जाएंगे। मैं थर्ड नंबर वाला ब्रश चूज़ कर ले रहा हूँ। आप लोग इसमें ज़्यादा है जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं अपने हेयर के लिए। फिर जहाँ जहाँ बाल है यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस देख सकते हैं आपकी फ़ोटो एकदम ऑयल पेंट वाली एडिटिंग हो चुकी है। फिर यहाँ से ओके करने के बाद सेव कर देंगे अपनी फ़ोटो को।